3 of exercise 10.5 chapter circles class 9th maths ncrt question number 3 hai jisme kya bola gaya ye ek circle hai jisme angle pqr hamare paas given hai 100 degree aur aapko find karna hai opr ye wala angle aapko find karna hai to jo theorem isme use hua hai wo ye hai angle subtended by arc at the center is twice the angle made by it एट एवरी पार्ट ऑफ द सर्कल अपोजिट टू इट. इसी थ्योरम का इसमें यूज है. और इसमें क्या होगा, हमारे पास गिवन है एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 100 डिग्री. तो अब इस एंगल का इस एंगल से क्या रिलेशन है, ये जो आर्क है पी आर, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है एंगल पी ओ आर, और यही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बना रहा है, वो है एंगल पी क्यू आर. तो रिलेशन दोनों में ये है कि एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल. आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है और ये एंगल ट्वाइस होगा किसका, यही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनाएगा उससे. तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल पी क्यू आर. तो पी ओ आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, ये हम फाइंड कर सकते हैं. बाय टू इंटू पी क्यू आर का वैल्यू दिया है 100, सो दिस इज इक्वल टू 200 डिग्री. तो एंगल पी ओ आर का वैल्यू हमको ये मिल गया है 200 डिग्री. ठीक है ना, ये वाला जो एंगल पी ओ आर है जो इसका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल पी ओ आर वो हम फाइंड कर सकते हैं. एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम बोलते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे आएगा, उसको हम 360 से माइनस कर देंगे क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 360 होता है. तो अगर ये वाला एंगल 200 है नीचे वाला, तो ऊपर वाला फाइंड करने के लिए हम उसको 360 से माइनस करेंगे और ये हमको मिलेगा 160 डिग्री. तो 160 डिग्री हमारा ये एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल मिल गया है. अब आप देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल में ओ पी इज इक्वल टू ओ आर होगा बाय बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है इसीलिए उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. द रीजन विल बी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो एंगल अगर अगर साइड किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में. तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, इफ ओ पी इज इक्वल टू ओ आर देन एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी. और इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ओके तो अब इस ट्रायंगल में हमारे पास तीनों एंगल्स का हम मेंशन करेंगे. इसमें एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे एंगल ओ पी आर को ओ पी आर लिखेंगे, ओ आर पी को हम रिप्लेस करेंगे एंगल ओ पी आर से. बिकॉज ये दोनों इक्वल है इसीलिए हम ओ आर पी की जगह पे ओ पी आर लिख सकते हैं. और एंगल पी ओ आर का वैल्यू हमको मिला है 160 डिग्री. तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, तो ये टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ओ पी आर क्या होगा, एंगल ओ पी आर जो भी 160 वहाँ जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिग्री इज द आंसर.